मणिशंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति शब्दों में करूं बंदगी सारे शब्द तुम्हारे हैं तन भी तेरा मन भी तेरा प्राणों में प्राण तुम्हारे हैं ये चांद सूरज उद्भिज अनंत त्रिकाल विभव ब्रह्मांड लोक इस जीव सृष्टि के आदि अंत कण कण में वास तुम्हारे हैं हे महाप्राण सुख के ललाम कर दो जीवन को दिव्य धाम आशीष मुझे दो लो प्रणाम हे ब्रह्म सनातन राम राम हे ब्रह्म सनातन राम राम। आज परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग यहां राम कथा न केवल राम कथा संगीतमय श्री राम कथा के लिए बैठे हैं और हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस राम कथा को 9 दिनों तक निरंतर कथा का वाचन हो। और एक अद्भुत कथा यह है कि पहली बार भारत में पूरे देश में हमारे जितने भी पूज्य संत लोग कथा करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन पहली बार मैंने संगीतमय श्री राम कथा का प्रारंभ किया है। यह आप तमाम भक्तों से अनुरोध है कि इस नवीनतम कथा का जो संस्करण है विशेषांक है उस संस्करण में आप तमाम लोग नई बातें इसमें आप देखेंगे। हम लोग कथा में आपके उन बातों की चर्चा करेंगे जिन बातों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं किए, जैसे बहुत धनु ही तो रे लड़काई कबहु न सरिस किन्न गोसाई। लक्ष्मण जी और परशुराम जी की पहली बार भेंट होती है तो फिर लक्ष्मण जी क्यों कहते हैं कि बचपन में मैंने आपका बहुत धनुष तोड़ा था। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को मातु पिता ऋण भय लिखे गुरु ऋण रहा शेष बड़ जी के। कौन सा गुरु ऋण परशुराम जी का था। और इस तरह के अनेक प्रसंग हैं। लक्ष्मण जी शक्तिमान से घायल होकर पड़े हैं, राम विलाप कर रहे हैं, जो जनते बन बंधु बिछोहू पिता बचन मनते नहीं ओहू। किसके बारे में बोल रहे हैं राम? कहते हैं जो जनते बन बंधु बिछोहू पिता बचन बनते, किसकी बात कर रहे हैं? ओहू कौन? मैं उसको नहीं छोड़ता। किसको नहीं छोड़ते? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर कहते हैं निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। निज जननी के वो तो दो भाई थे लक्ष्मण जी। राम ने क्यों कहा कि निज तुम अपने मां के दो एक कुमार हो? कैसे कहा निज जननी के एक कुमारा जब दो भाई थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी चर्चा कैसे कर दी?
मेघनाथ और लक्ष्मण जी की कौन सी लड़ाई थी, क्या शत्रुता थी, क्यों इतना जानी दुश्मन बने हुए थे? राम से मेघनाथ नहीं लड़ता है, लक्ष्मण से लड़ता है। क्या झगड़ा था दोनों में, केवट कौन था, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कौन क्या मरम की बात कर रहे हैं, कौन सा मरम जानते हैं राम के बारे में? तो मेरे भाई, तमाम चीजों की चर्चा हम लोग पहली बार राम कथा में करेंगे। बड़े ही ज्ञानी पुरुष लोगों ने आपको कथा सुनाई होगी। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा ही नवीनतम संस्करण लेकर मैं आया हूं, लेकिन यह भी कुछ बात है। और मैं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं, सीता का हरण रावण ने किया था। और कभी यह भी आपको बताऊं कि रावण ने कौशल्या और दशरथ का भी हरण किया था। कौशल्या और दशरथ का भी हरण रावण ने किया था। विभीषण कौन था, यह राम का भाई था या रावण का भाई था? तीन तमाम बिंदुओं पर पहली बार हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कोई अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूं, मैंने जो आप संतों से सीखा है, बचपन से मैं अपने चाचा जी के साथ बैठता था राम कथा में, या 1945-46 की बात है, उस समय से 50 तक, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एकाक किया था रामायण का। पहली बार 1950 में सुबह में मैं बैठा था 4 बजे भोर में, और 7 कांड का रामायण का पाठ मैंने एक ही आसन पर लगभग 16 घंटा मुझे लगा था, मैंने 7 कांड रामायण का पाठ किया था 1950 में, जब मैं मात्र 6ठा क्लास में पढ़ रहा था। उसी समय से यह बीज मेरे मन में है। मैं चाहता हूं कि वह बीज जो अंकुरित हो गया है, पौधा बन गया है, तमाम मित्रों के पास मैं पहुंचाऊं। और रामचरितमानस के बिछड़े हुए प्रसंग, बहुत ऐसे प्रसंग है जिसकी चर्चा महर्षि हमारे गोस्वामी जी महाराज ने नहीं की। ऐसी बात नहीं कि नहीं आता था, जानते थे वे, लेकिन उनको समय की कमी थी इसलिए बढ़ गए। अब हम लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई, तमाम लोग इस नवीनतम संस्करण को आप सुनेंगे। अगले दिन से हम लोग इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। अगले संस्करण में सब कुछ आपके सामने हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। अरे मनोवांछित फल नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, ते गोपदैव नर करहीं। जो व्यक्ति किस गीत को गा लेता है, संसार का सारा कष्ट नष्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रभु श्री राम के प्रार्थना करके, हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, शंकर की प्रार्थना करेंगे, फिर रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। और कम से कम इतना कोशिश करिए कि संसार में थोड़ी देर के लिए संसार से कट कर हम लोग आ जाएं, यहां बैठ जाएं और प्रभु का स्मरण करें। राम नाम का ध्वजा पताका, राम नाम का ध्वजा पताका, मैं फहराऊं गली गली। राम नाम का ध्वजा पताका, मैं फहराऊं गली गली। है कोई ऐसा राम का बंदा, साथ चले तो गली गली। है कोई Thank you.
का सहारा पाया, संकट सारे दूर हुए। जीवन में खुशियां भर आई, सारे बंधन टूट गए। जीवन में खुशियां भर आई, सारे बंधन टूट गए। घर बाहर मेरी बतिया में, घर बाहर मेरी बतिया में सुगंध की कली खिली है। कोई ऐसा नाम कपंता साथ चले जो कली कली है। कोई ऐसा नाम कपंता साथ चले जो कली कली। श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए अब एक बार हम लोग चलते हैं हनुमान जी को प्रणाम कर लें, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद से कभी भी राम कथा सफल नहीं होती। इसलिए हनुमान जी को हम लोग प्रणाम करें और उनकी वंदना करने के पश्चात फिर राम की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। से मुझको बचाना पवन सुत, मुझको बचाने